जी। एक तो ये मैसेज देना चाहूँगी, देखिए मैनग्रोव्स का जिसको नहीं पता, ओशन लाइफ बहुत मैनग्रोव्स पे डिपेंडेंट है। काफ़ी सारी फिशेज एंड एनिमल्स, जो सी एनिमल्स हैं, दे आर वो बहुत डिपेंडेंट है मैनग्रोव्स पे। उसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो है उनको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मैनग्रोव्स क्लीन नहीं है तो वो जो अंडर वाटर ऑल दी एनिमल्स, ऑल द फिशेज जो जी रहे हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। दे कान ब्रीथ, दे कान सर्वाइव, दे कान लिव, बिकॉज वो मैनग्रोव्स में ही पलते हैं। एंड आई थिंक उससे इवेंचुअली इट्स अ होल साइकिल। हम जैसे बोलते हैं ना इन्वायरमेंट का, अगर हमने ख्याल नहीं रखा इवेंचुअली क्या होगा? देखिए जैसे पूरे देश में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है जैसे अभी, कि पानी नहीं है। तो यही होता है, जब हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो हर एक को फ़र्क पड़ेगा। आज का ज़माना ये हो गया कि लोग बोल रहे, अरे हमारे साथ नहीं हुआ है तो चलो आगे नहीं होगा। तो आई थिंक लोगों को ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, चाहे वो पानी हो, प्लास्टिक हो, मैनग्रोव्स क्लीनिंग हो। सो आई थिंक वही इस मैसेज देना चाहूँगी कि अपने एनवायरनमेंट का और ख्याल रखें, क्योंकि और 5 साल में हमें नहीं पता क्या बचेगा। मुझे नहीं लगता मैं मैसेज देने इतना बड़ा कोई हूँ, लेकिन हर एक को अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो मैनग्रोव्स ही क्यों नहीं, बीचेस भी हो, हमारे रास्ते हो, घर के आजू बाजू के जो 10 गज होते हैं वहाँ हम खुद कचरा ना फेंके, इतनी भी हम जिम्मेदारी खुद ले ले तो मुझे लगता है हमारा शहर साफ़ हो सकता है। जो घर का कचरा है उसे सेग्रीगेट करें, उससे भी काफ़ी फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हमारा ये जो प्लानट है उसे ख़राब हम लोग ही करते जा रहे हैं, उठा रहे भी हम लोग ही है। तो अगर हम अपनी आदतें सुधारें तो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक एज सर इट्स अ थिंग अबाउट योर हैबिट्स। द बैन ऑन सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन फॉलोइंग, एवरी रेस्टोरेंट, एवरी होटल, एवरी एसोसिएशन हैज बिन फॉलोइंग इट। इट्स बिकम समथिंग कूल टू स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक, बट वाइल डूइंग दैट द अमाउंट ऑफ अदर वेस्ट वी जनरेट इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। I don't think I need to speak anything about him. His work speaks for itself. He's been doing a fantastic Environment Day event every year. But more than that, it's not just one day event. It's about the initiatives he's been taking, the air pollution song, bringing everyone together, creating a message, creating the impact through awareness. That's fantastic. आई थिंक आज यह की बात करते हैं, फिर कल कभी बात करेंगे। हम लोग अपने मैंग्रोव्स को क्या सेव करें, उनको प्रोटेक्ट करें, वो विषय बहुत ज़रूरी है। और अभी से एक मिनट में बरसात थोड़ी कम हो जाए तो आदित्य जी, हम भले फिर चाहे भीगना भी पड़े हम भीगेंगे, लेकिन वो आज मैंग्रोव्स की शुरुआत जो है क्लीनिंग की यहाँ से करेंगे। इसके बाद हमारा चिम्बई बीच क्लीनिंग है, उसके बाद बैंडस्टैंड बीच क्लीनिंग है। हमने सोचा कि औपचारिक रूप से आज आदित्य जी के शुभ हस्ते हम ये कैंपेन की शुरुआत करें। ईशा गुप्ता जी अपना बिजी शेड्यूल छोड़कर जो है हमारे बीच में, ऐसे कोई ग्लैमर से कनेक्टिविटी करना नहीं होता है। आदित्य जी इज़ ए यूथ आइकॉन और उन्हें देख कर काफ़ी नौजवानों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस करके हमने आदित्य जी से आग्रह किया कि भाई आप ये कैंपेन का आप फ्लैग ऑफ शुरू करें। हमारे साथ सारे यहाँ के वार्ड ऑफिसर है, यहाँ के नगर सेविका है स्वप्ना जी, सो सारे लोग मिलकर इट्स कंबाइंड एफर्ट। और यहाँ के जो हमारे दो दो ग्रुप्स है, जो बीच प्लीज है और चीनो का जो ग्रुप है बीच वॉरियर्स है, ये सब मिलकर एक कंबाइंड सिटीजन एफर्ट्स है। जैसे आदित्य जी ने कहा कि भाई हमें अपना गार्बेज सेग्रीगेट खुद करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि मैनग्रोव्स अगेन आर द लंग्स ऑफ द सिटी, सो वी हैव टू प्रिजर्व देम, वी आर कंजर्विंग देम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी हैव अ पर्सन लाइक आदित्य जी हु सो एनवायरमेंट कॉन्शियस, हु बिलीव्स इन एनवायरमेंट, सो वी आर ऑल अट्रैक्टेड विथ हिम, विथ हिज वर्क, एंड इन फ्यूचर वी लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट लेवल। एंड वंस अगेन थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू ईशा जी। 2 मिनट ईशा जी भी एक अपनी बात रख लें और फिर हम लोग अंदर स्टार्ट कर लेंगे। आई थिंक जस्ट द फैक्ट, जैसे हम बोलते हैं, देखिए रीज़न हम सब इतने तीनों एकदम ही अलग अलग हमारे प्रोफेशंस हैं और हम यहाँ से एक साथ जुड़कर आए हैं बामला फाउंडेशन के साथ, आदित्य जी के साथ। हम बस ये दिखाने की कोशिश, देखिए एक बोलते हैं ना कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं मिलेंगे तो आगे काम नहीं बढ़ेगा। यूथ है तो यूथ को आपको ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं के है जिन्हें आई थिंक द यूथ के लिए जो हम करने की कोशिश करें, बिकॉज यूथ नीड्स टू रियलाइज दैट कि वो उनके फ्यूचर के लिए है। आई थिंक द प्रॉब्लम अभी तक जो ऐसे आ रहा है साफ़ सफाई की, हम एक एक बीच करके जो करना शुरू अब हम कर रहे हैं,
इसी वजह से, क्योंकि इंसान आजकल क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा आई फील सेल्फिश हो गया. हमें लगता है हमारे साथ नहीं होगा, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग कि स्लोली स्लोली 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ वाटर एंड उसमें से भी सब खत्म हो रहा है. यू नो, अभी आई वॉज टेलिंग बामला जी एज वेल बिफोर कि हाल फिलहाल में अभी लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आई थी कि पैसिफिक की सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे भी प्लास्टिक मिला है. तो सोचिए कि इंसान कहाँ तक पहुँच गया, कि हमने कहाँ तक अपनी धरती को ख़राब कर दिया. एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग अ बेटर एनवायरनमेंट. एंड आई एम जस्ट रियली ग्लैड दैट एवरी वन एंड स्पेशली बामला जी, आदित्य जी, पीपल लाइक देम, यू नो द बीच वॉरियर्स, पीपल लाइक देम, दैट दे आर कमिंग टुगेदर एंड हम लोगों की लोग बात सुनते हैं. इफ एवरी वन फॉलोज अस, आई एम जस्ट ग्लैड दिस इज अ स्मॉल वे फॉर अस टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव. मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा इशू मुझे लग रहा है कि अभी बारिश खत्म हुई तो हम जाके काम करें, बातें कल करते हैं.